नमस्कार, बात बेबाक में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव। मेरा राजनीति में आधी आबादी की पूरी भागीदारी का सपना अभी भी अधूरा पड़ा है। राज्यसभा में बिल पास हुए 9 साल के करीब हो गया है, लेकिन लोकसभा में अभी ये बिल लटका पड़ा है। ना जाने कब ये बिल पास होगा और ना जाने कब आधी आबादी को राजनीति, जिम्मेदारी, हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन चुनाव की घड़ी आ गई है तो ये भी मुद्दा उठने लगा है। कांग्रेस ने दांव खेला है कि सत्ता मिली तो विधानसभा से लेकर संसद तक महिलाओं का आरक्षण उन्हें दिया जाएगा। उधर बीजेपी ने महिला आरक्षण को लेकर ठीकरा आरजेडी पर फोड़ा है कि आरजेडी ने महिला आरक्षण का विरोध किया है, जिस वजह से बिल फंसा हुआ है। आखिर हकीकत क्या है? क्या राजनीति का हिस्सा बनकर रह गई है महिला आरक्षण बिल की गुत्थी? आधी आबादी की पूरी भागीदारी, देश की राजनीति में हिस्सेदारी, मनो स्वाभिमानी राष्ट्राभिमानी चाहिए और होना चाहिए। ऑफ द नाइट ऑन द स्ट्रीट, समाज का हर वर्ग जारी था एक खेल कहने सुनने का। कब मिलेगा 33% का हक? आज दुनिया विश्व महिला दिवस के जरिए महिलाओं को सम्मान दे रही है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। महिलाओं को सम्मान देना अलग बात है, हक देना अलग बात है। भारतीय राजनीति महिलाओं को हिस्सेदारी से वंचित रखती है। भारतीय राजनीति में महिलाओं को हिस्सेदारी से वंचित रखा जा रहा है। राजनीतिक रोटियां जरूर सेकी जा रही है। चुनाव की घड़ी सामने आई तो अब फिर से ये मुद्दा जिंदा हो गया है। तो उस समय तो जब आरक्षण की हम लोग चाहते ही थे, आवाज भी चाह रहे हैं, और हमारी ही सरकार भविष्य में, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, हम इसके समर्थक हैं कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव में आरक्षण मिले। जा करके देखे होंगे कि हमारे यहाँ की नौकरियों में 50% का हम लोगों ने दिया है उनकी आरक्षण, तो ये एक बड़ी बात है। इसका अनुकरण और राज्य करे, बिहार तो उसमें बहुत आगे चल रहा है। एनडीए तो समर्थन में है, तो फिर पेंच कहाँ फंसा है? गेंद विरोधियों के पाले में फेंकी जा रही है, लेकिन क्या सच में ऐसा हो रहा है? सवाल आधी आबादी का। महिला आरक्षण बिल 2 दशकों से ज्यादा वक्त से अटका हुआ है। ये बिल 1996 में पहली बार पेश हुआ था और 2010 में राज्यसभा से पास हो गया था, लेकिन लोकसभा से पास नहीं हुआ। एसपी, बीएसपी और आरजेडी ने मौजूदा विधेयक के स्वरूप का विरोध किया। आरजेडी का कहना है कि पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को भी राजनीति में हिस्सेदारी करनी चाहिए। इसके लिए दलित ओबीसी महिलाओं के लिए कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए। तर्क ये है कि सवर्ण, दलित और ओबीसी महिलाओं की सामाजिक हालत में फर्क होता है। पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण मिले, विशेष अवसर मिले, जो वंचित समूह है, सदियों से जाति व्यवस्था ने जिनको वंचित रखा है, और वंचित होने की वजह से उनकी योग्यता में कमी आई है, अवसर नहीं मिलने के कारण, उनको विशेष अवसर देके योग्य बनाओ, ताकि देश के विकास में, देश को आगे बढ़ाने में कम से कम 90% 80% एनर्जी जो है आबादी की लगे, यही उसका सिद्धांत है। कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं के आरक्षण के पक्षधर रही है और कई बार हमने लोकसभा में बिल भी आया, राज्यसभा में कई बार गिरा है। हम पुनः अगर सरकार हमारी बनती है तो महिला आरक्षण की हम बात करेंगे, उनके हित की बात करेंगे। हम महिला दिवस पर तमाम देश और दुनिया के महिलाओं को बधाई देते हैं। दरअसल 2010 में जब राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पेश हुआ, तब से लेकर अभी तक इस बिल को दोबारा लोकसभा में पेश नहीं किया गया। वर्तमान की सरकार, जिसके पास पूरा बहुमत है, उनकी तरफ से भी महिला आरक्षण को लेकर बिल लाने की जहमत नहीं उठाई गई। तो फिर विरोधियों पर ठीकरा फोड़ने से क्या होगा? बहुमत वाली सरकार ने जब कोशिश नहीं की तो फिर कौन करेगा? क्या आधी आबादी की हिस्सेदारी में सभी पार्टियां अड़ंगा लगा रही हैं? शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना।
और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल मौजूद है। पटना स्टूडियो से हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अंजुम आरा जुड़ रही हैं, जेडीयू प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका। अमृता भूषण, प्रदेश मंत्री बीजेपी की तरफ से जुड़ रही हैं। वहीं अनामिका पासवान, हम प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर उर्मिला ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, आरजेडी प्रवक्ता। सबसे पहले मेरा सीधा सवाल अमृता भूषण जी से है। अमृता जी, लोकसभा में आपकी पार्टी केपेबल है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन अभी तक ये मुद्दा उठाया भी नहीं गया आप लोगों की तरफ से। आप लोगों ने तमाम मुद्दे उठाए, तमाम मुद्दों को छुआ जिससे आप कहते हैं कि बदलाव आएगा। क्या आप इसे बदलाव का मुद्दा नहीं समझती हैं? नहीं, बिल्कुल समझती हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री हमेशा ही आधी आबादी की बात करते हैं, और अगर आप उनके इन चार साढ़े चार सालों को देखेंगी तो आप पाएंगी कि अभी तक जितनी भी योजनाएं हैं वो अधिकतर महिलाओं को सशक्त करने के लिए लाई गई हैं, महिलाओं के लिए लाई गई हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री इस ओर भी जरूर देख रहे होंगे। राहुल गांधी की तरफ से ये मांग की गई थी चिट्ठी लिखकर कि इस मुद्दे पर कांग्रेस समर्थन के लिए खड़ी है। हालांकि आपको कांग्रेस के समर्थन की भी, कम से कम अगर लोकसभा की बात करें तो वहां जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अभी तक 5 साल खत्म होने को है, चुनाव सर पर है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर कोई स्टैंड नहीं साफ हुआ। मुझे लगता है जल्द से जल्द प्रधानमंत्री इस विषय पर कुछ न कुछ जरूर अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही सोचेंगे। और सर्वप्रथम, क्योंकि आपने सीधे प्रश्न किया और मैंने सीधे उत्तर दिया, तो मैं देश की सारी माओं, बहनों और बेटियों को विश्व महिला दिवस की बधाई देना चाहती हूँ। आज का दिन प्यार प्रशंसा का दिन है, सम्मान का दिन है, तो उन सब बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, आपने बधाई तो दे दी भूषण जी, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि अभी तक क्यों नहीं महिला यानी कि आधी आबादी की बात हो रही है। हमारे साथ अंजुम आरा जी भी हैं। अंजुम जी, नीतीश फॉर्मूला बिहार में लागू किया गया है, यहां पर अगर देखें तो पंचायत चुनाव में, नगर निगम चुनाव में 50% आरक्षण है, महिलाओं को प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है। कब वो वक्त आएगा जब जेडीयू आवाज मुखर करेगी, तेज करेगी और ये मांग करेगी कि जैसे यहां पर हुआ है, बिहार ऐसा पहला प्रदेश था जैसे यहां पर हुआ है, वैसा ही संसद में और विधानसभा में भी हो? देखिए, हमारी सरकार जो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार 2005 से है, ये हम सब जानते हैं कि दिगर विषयों पे नेशनल लेवल पे तो हमने एग्जाम्पल सेट किया, लेकिन अगर बिहार पूरे मुल्क में किसी चीज के लिए मजबूती से जाना जाता है तो वो वीमेन एम्पावरमेंट के लिए जाना जाता है। 50% रिजर्वेशन, बिल्कुल आपने सही कहा कि हिंदुस्तान का ये पहला स्टेट और हमारे पहले नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से सशक्त करने के लिए तो बहुत सारे कार्यक्रम चल ही रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से उनको सशक्त करने के लिए 50% रिजर्वेशन देने का साहस अगर किसी ने किया इस मुल्क में तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया, और उसका वो रिजल्ट हम लोग को दिखा भी। जो महिलाएं घर तो समय नहीं लगता आपको समय आ गया है कि इसको लेकर आप आवाज और तेज करें? आप इस चीज को देखें कि 2010 में जब से ये बिल पास हुआ है, जनता दल यूनाइटेड जिस स्वरूप में रहा हो पहले, हमने बहुत मजबूती से इस बिल का समर्थन किया है, और आज भी हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी जब भी ये सवाल किया जाता है तो इस बिल के समर्थन में वो पूरी तरह से खड़े रहते हैं। ठीक उसी तरह से जो भी मामले या जो भी इश्यूज पार्लियामेंट में, सदन में आते हैं, और आप देखेंगे कि चाहे वो बाकी पार्टियों का भी जो भी रहा हो, लेकिन मास एट लार्ज या जो एक क्लास के वेलफेयर की अगर बात होती है तो वो हट कर करके वो डिसीजन लेकर के वो खड़े रहते हैं। तो विमेन बिल पे भी हमारे नेता और हमारी पार्टी, इसमें कहीं कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। मैं क्लियर कर देती हूं अपने पार्टी की तरफ से कि इस बिल पे हमारे पार्टी और नेता का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हम इसके समर्थन में है। नहीं, समर्थन में तो है, लेकिन अपने जो बड़े भाई हैं बीजेपी को याद तो दिलाइए कि ये बिल पास करा सकते हैं, वो लोकसभा में पूरे बहुमत से हैं, वो इसकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। समर्थन में खड़े रहने से क्या होगा? केंद्र में एक मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार है, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, लेकिन अफसोस हो रहा है मजबूत इच्छा शक्ति वाली भी सरकार महिलाओं के बारे में बात नहीं कर रही है। ठीक है, उर्मिला ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं आपके चैनल के माध्यम से। जी कहिए। हम लोग ये उम्मीद करते हैं आपके चैनल के माध्यम से हम सब मजबूत आवाज बुलंद करते हैं कि ये बिल जल्द से जल्द पास हो ताकि देश की महिलाएं आवाज हर वुमेन से मजबूत होती है।
ये आवाज हर वुमेन्स डे पे मजबूत होती है, उससे पहले गायब हो जाती है। जब राहुल गांधी चिट्ठी लिखते हैं तो कोई जवाब अच्छे से दिया नहीं जाता, टाल मटोल चलता रहता है। अब चुनाव आ गए, अब समय नहीं है। आखिर कब प्रधानमंत्री को ख्याल आएगा कि आधी आबादी भी जरूरी है? सबकी सोचते हैं अगर, तो इसको लेकर भी सोचना चाहिए। ठीक है, उर्मिला ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर उर्मिला आपके पास आएंगे। डॉक्टर उर्मिला, जरा ये समझना चाहते हैं आपसे, आप लोग अभी तेजस्वी यादव हाल ही में बात कर रहे थे 90% आरक्षण दे दीजिए, इस 90% आरक्षण में आपसे जानना चाहते हैं, आप महिला प्रवक्ता हैं, जरा बताइए कितनी महिलाएं हैं? 90% आरक्षण की बात जो हमारे नेता कर रहे हैं तो ये तो कर रहे हैं इसलिए कि आप जो है, जब सुप्रीम कोर्ट का ये था कि अब 50% आरक्षण से नहीं बढ़ेगी, आरक्षण को सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी, उस पर किस परिस्थिति में जो है 10% जब आरक्षण बढ़ा दिया गया तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पे बात हो रही है। तब महिलाओं को लेकर आवाज उठाई आपके नेता ने, महिलाओं को लेकर आवाज उठाई, विरोध करना चाहते हैं, क्योंकि आरजेडी तो शुरू से ही विरोध में रही है ना इस बिल के। नहीं, एकदम नहीं, हमारे नेता कभी भी विरोध में नहीं। हम ये बिहार देश का पहला राज्य है जहाँ यहाँ पर जो है महिला को मुख्यमंत्री, ये हमारे नेता ने बिहार में पहली मुख्यमंत्री नहीं, लोकसभा में जब अटका था तो आरजेडी ने समर्थन नहीं किया था, नेता ने उर्मिला जी आरजेडी ने समर्थन नहीं किया था। नहीं सुन, आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, हमारे नेता ने ही 33% आरक्षण पंचायती राज में लागू करने का काम किए, और विधानसभा चुनाव में अभी भी आप देखिए मेरे पार्टी में 10 महिला विधायक है, 33% आरक्षण देने का काम विधानसभा में किए, मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर बनाने का काम किए, और हमारे नेता ने लेकिन उस समय तो विरोध कर दिया ना, उस समय तो विरोध किया। हमारे नेता ने हिस्सेदारी की बात की है कि अगर आप आरक्षण देते हैं तो खुले मन से दीजिए, मन में कुछ, मन में राम बगल। हिस्सेदारी की तो बात कर ली, लेकिन आधी आबादी की तो बात नहीं की उर्मिला जी, आधी आबादी की तो बात नहीं की। आरक्षण आप नाम भी नहीं आया, जिक्र भी नहीं आया। सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो महिला शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, मतलब आप मानती हैं, आपको आपके लिए विशेष तौर पर, आपके लिए विशेष तौर पर जरा आंकड़े बता देती हूँ मैं, आपके लिए विशेष तौर पर उर्मिला जी, आपको बता दें कि हमारे देश की स्थिति महिलाओं की संसद में बेहद खराब है। आप पाकिस्तान को कहते हैं ना कि हमसे बहुत पीछे, लेकिन पाकिस्तान को अगर यहाँ पर कंपेयर करें तो 20.6% महिलाएं हैं वहां पर प्रतिनिधित्व करने के लिए। नेपाल हमसे छोटा राज्य है, माफ कीजिएगा, देश है, लेकिन वहां पर 29.5% महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं। रवांडा जैसे देशों की अगर बात करें तो 63%, आप समझ सकती हैं 63%, 50% से भी ज्यादा वहां पर महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं। हम कहां हैं ये भी आपको बता देते हैं, केवल 12%। आप क्या कहेंगे? मैं इसलिए न कह रही हूँ कि आप जो बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए जो आरक्षण है उसको आप लागू नहीं, आप वही बात कह रही है, नहीं उर्मिला जी, आरक्षण को नहीं, इस पर चर्चा नहीं हो रही है, इस पर चर्चा नहीं हो रही, महिलाओं की हिस्सेदारी पर चर्चा हो रही है, महिलाओं के हक पर चर्चा हो रही है, चर्चा कर रही है ना आपको जो आप कह रही है ना कि लालू प्रसाद जी ने इस बिल को रोकने का काम किया, लालू प्रसाद जी ने इस बिल को कभी रोकने का काम नहीं किए। नहीं, आप महिला होकर ऐसे बात करेंगे तो कैसे चलेगा? आप महिला हैं, ये याद रखिए कि आप महिला हैं। क्या करिएगा कि नहीं करिएगा? ठीक है, अनामिका पासवान जी आपके पास आएंगे। अनामिका पासवान जी, हम प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका जी आपके पास बहुत देर से आना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके सहयोगी ने ये प्रश्न पूछा था, खासतौर पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी और कांग्रेस ने भी ये बिल लाया था, तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? आप क्योंकि आप बीजेपी के साइड नहीं है, आप कांग्रेस के साथ हैं, तो आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगी? देखिए, मैं अगर आज विश्व महिला दिवस है तो मैं सबको बधाई देती हूँ, और एक महिला कहकर, और हम अपने आप को महिला कह रहे हैं तो आज हम सिर्फ महिला बनकर ही आपको ये बोल रहे हैं कि अभी मोदी जी का गुणगान सुन लिए, नीतीश जी का भी गुणगान सुन लिए कि उन्होंने आरक्षण दिया महिलाओं को पंचायत चुनाव में, नगर निकायों में, लेकिन आप ये देखिए कि वहां से एमपी पति और मुखिया पति पैदा हो रहे हैं, एमपी और एसपी। उन्होंने अगर कर्पूरी फॉर्मूले को लागू किया तो यही मांग हमारी भी है कि कर्पूरी फॉर्मूला से ही महिला आरक्षण बिल पास हो। दूसरी बात, अभी अगर लोकसभा में बिल हमारा लटका हुआ है या अटका हुआ है तो किसने रोड़े अटकाए हैं इसमें अगर मोदी जी को पास करना था तो कौन रोक रहा था उनको? उनको कर देना चाहिए था पास, उन्होंने नहीं किया, क्योंकि इससे बहुत बड़े बड़े कद्दावर नेता हर पार्टियों के, मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रही, सभी पार्टियों की बात कर रही हूं, कि कद्दावर नेता बेरोजगार हो जाएंगे, इसलिए महिला आरक्षण बिल को ये
लोग पास नहीं होने दे रहे। मैं तो पूरे भारत की आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत की महिलाओं को यह कहना चाहती हूं कि आपका लगभग 40 करोड़ वोटर महिलाएं हैं, और अगर आपने किसी का साथ नहीं दिया तो अगर आप अपने लिए करना चाहती हैं, सशक्त होना चाहती हैं, दिखाना चाहती हैं, तो एक हो जाइए और एक होकर सभी पार्टियों को यह बताइए कि अगर आपने महिला आरक्षण बिल नहीं पास किया तो सभी महिलाओं को एकजुट होकर इसके लिए लड़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जब चुनाव आता है तो क्या आपको लगता है कि जो महिलाएं वाकई में राजनीति में खटती हैं उनको वोट मिल ये टिकट मिलता है? नहीं मिलता है। वहां पर क्या होता है कि हर चुनाव की पारी में तू कहां है ए नारी, सुषमा, ममता, मायावती जैसी है नारी, और आरक्षण के बिल पर बस बजती रही है ताली। पति है अगर दबंग तब शायद पत्नी की बारी, पर पति के खूटे से तेरी बंधी रही सारी, और हर चुनाव की पारी में तू कहां है ये नारी। ये दर्द है हम लोगों का, ये महिलाओं का दर्द है, उन महिलाओं का जो राजनीति अमृता जी इस दर्द को महसूस कर रही हैं आप करीब से? बिल्कुल करेंगी। ये इनको मोदी जी से लड़ना चाहिए, और ये जेडीयू से है हमारी अंजुम आरा बहन, इनको भी नीतीश जी से लड़ना चाहिए कि आपकी सरकार है, हमारी सरकार है, तो आप हमारा महिला आरक्षण बिल पास कीजिए। और अगर नहीं करेंगे इंफॉर्मेंट के लिए जवाब दे दीजिए। लोग में एग्जाम्पल सेट कर दिया है अनामिका जी नहीं अमृता जी जवाब दीजिए, जानकारी लीजिए आप। नहीं जाके जानकारी प्राप्त कीजिए, विधानसभा में कहिए जब हक लेने की बात, लोकसभा में कहिए जब। सुन लेते हैं जरा अनामिका पासवान की, जरा देखिए अमृता जी क्या कह रही है। अमृता जी जवाब दीजिए, अनामिका पासवान ने कुछ पूछा है आपसे? मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि आज इसी देश की रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों महिला है, और इसी देश में ऐसी रक्षा मंत्री जो एयर स्ट्राइक तक लेने का डिसीजन ले सकती है, ऐसी सी महिला नेतृत्व कर रही है देश का। दूसरी बात, विदेश नीति जो बहुत बड़ी नीति है आज तक उसमें अमृता जी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप दूसरी बातें गिनाकर इस बात को दरकिनार करना चाह रही हैं, कोशिश कर रही हैं? जरा ये बताइए कि आपके पास पूरा बहुमत है लोकसभा में, मुद्दा क्यों नहीं उठा? अगर इतने हिमायती हैं तो अध्यादेश ला सकते हैं तमाम मुद्दों पर, ये मुद्दा नहीं उठा सकते? मोदी जी मतलब 5 साल बीत गए, ख्याल नहीं आया? आप कह रही आने वाले समय में अगली सरकार इसी पर लड़नी है क्या? दर्द है उसको वो जरूर नहीं, सरकार में अगली सरकार में इसी फॉर्मूले को लेकर आएंगे क्या? कभी एक भी एक भी एक भी महिला मंत्री नहीं है, हमारी सरकार है घटित हुई है हमारी सरकार की इच्छा शक्ति और हिम्मत है नहीं, नहीं। कि उनको जेल के सलाखों के पीछे कैबिनेट विस्तार होगा। मत घबराइए। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिला सशक्त हुई और उन्हीं के नेतृत्व में चिल्ला लेने से महिलाएं सशक्त नहीं हो जाती है, कर्म करना पड़ता है। चाहिए वो आदरणीय नीतीश कुमार के पास है। महिला आरक्षण बिल की बात हो रही है कि एक भी महिला मंत्री नहीं, ऐसे चर्चा नहीं होती है, ऐसे चर्चा नहीं होती, झगड़ा करने का नहीं है यहाँ पर, एक दूसरे को रिएक्शन देने का नहीं। आप जवाब दीजिए ना, केस में जेल में है, चीखने चिल्लाने से नहीं होगा। जिसको उर्मिला जी रुकिए, मौका देंगे आपको, आप अपनी बात रखिएगा। नीतीश कुमार पर यहाँ निशाना साधने नहीं बैठे हम, कम से कम आज महिला दिवस के दिन तो महिलाओं की बात करिए। इन लोगों को तो ये दोनों पार्टियों को नहीं, उर्मिला जी नाम उर्मिला जी नहीं चल सकती है, अंजुम आरा दुकानदारी नहीं चल सकती है, दुकान चला अंजुम आरा जी, अंजुम आरा जी उर्मिला जी बस एक जवाब दीजिए मुझे, एक जवाब दीजिए, यहाँ पर आप महिलाओं के लिए बात करने आई हैं या नीतीश कुमार को
पर निशाना साधने उर्मिला जी का विषय उर्मिला जी वुमेन बिल है पर बोल रही हूँ वेमेन नहीं आप लोग भटका दिए आज आप लोगों ने बर्बाद कर दिया आप मोदी जी का नीति ऐसे तो कौन कर रहे हैं तो जिस तरह से आप लोग चर्चा कर रहे हैं ऐसे चर्चा नहीं होती है ऐसे चर्चा नहीं होती है एक दूसरे से झगड़ा करके चर्चा नहीं होती बात रखनी चाहिए तथ्य रखने चाहिए किस तरह से आप लोग इमेच्योरली एक्ट कर रहे हैं चलिए ना महिला दिवस के दिन तो कम से कम इमेच्योर एक्ट मत करिए नीतीश कुमार पर यहाँ पर निशाना साधने हम नहीं बैठे ना प्रधानमंत्री मोदी पर हम बात कर रहे हैं 33% आरक्षण की अमृता जी सीधा सा आपसे एक सवाल है अब क्योंकि सरकार खत्म हो रही है आपकी 5 साल का टेन्योर खत्म हो रहा है चुनाव आने वाले फिर से ये मुद्दा उठाएंगे आप कह रहे हैं कि सोचेंगे प्रधानमंत्री सोचेंगे आप भी तो महिला प्रवक्ता है आपने क्यों नहीं सुझा दिया सोचेंगे मैं सोचेंगे नहीं बोल रही मैं बोल रही हूँ अगला इलेक्शन इस मुद्दे को लेकर आपने घोषणा पत्र में डालेंगे क्या शपथ पत्र में बनकर और इसलिए नहीं लाए सत्ता पे बैठेंगे और जो ये महिलाओं का दर्द है उसे समझते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि महिला बिल पास होगा जब चुनाव आएगा तो अगले 5 साल में सोचेंगे अभी क्यों नहीं सोच रहे हैं अभी क्या हुआ है कौन रोक रहा है उनको? आपकी पार्टी के ही लोगों ने रोक दिया था आरजेडी ने रोक दिया था समाजवादी पार्टी ने रोक दिया था क्योंकि जो जिम्मेदार पार्टी है जो सत्ताधारी पार्टी उसका कहना है कि हम उम्मीद करते हैं लेकिन महिलाओं की उम्मीद पर किसी को भी ध्यान नहीं है किसी को भी उसका ख्याल नहीं है नतीजा यह है कि आज भी हर महिला दिवस के दिन हम इस पर चर्चा जरूर करते हैं लेकिन होता कुछ भी नहीं है अंजुम आरा आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए अमृता भूषण आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए अनामिका पासवान आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और उर्मिला ठाकुर जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए तो चर्चा जारी रहती है लेकिन इसका कहीं ना कहीं कोई अंत होता दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि सत्ताधारी दल अभी इस पर कोई स्टैंड नहीं ले रहा है लेकिन वाकई आज के दिन फिर एक बार वही बात की जरूरत है इस पर ध्यान देने की इसी के साथ बात बेबाक में इतना ही दीजिए इजाजत नमस्कार।